तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। आपके पास इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो है नहीं, यहाँ से दो ही रास्ते जाते हैं, या तो इसको इंटीग्रेबल फॉर्म में पहुँचाइए, है ना, या तो डायरेक्ट फॉर्मूले हो। डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं था तो हमने इसे क्या करना है, इंटीग्रेबल फॉर्म पहुँचाना है। उससे पहले आप ये सोचिए कि ये जो साइन एक्स है ये कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है, ठीक है। डी बाई डी एक्स, अब कॉस एक्स निकालोगे आप तो माइनस साइन एक्स आएगा। खैर माइनस तो एडजस्ट किया जा सकता है, लेकिन अगर वन प्लस कॉस एक्स ले लो तो उसका भी डेरिवेटिव क्या आएगा आपका, साइन एक्स आएगा। हाँ, ये तो क्या हो गया आपका, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स फॉर्म हो गई। बसरते आप नेक्स्ट स्टेप में हम अगर हम ऐसे लिख देते हैं माइनस साइन एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स, ठीक है। तो जो नीचे डिनोमिनेटर है ये माइनस साइन हमने एडजस्ट कर लिया, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया एक तरह से डी एक्स। तो ये आपका क्या है, माइनस साइन एक्स एफ डैश एक्स है, और ये क्या है, एफ एक्स है। तो इसका डायरेक्ट क्या होता है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ वन प्लस कॉस एक्स, ये आपका फाइनल आंसर हो गया।